यार एकदम 10 साल तेरी उम्र कम लगने लगी अभी तो। पर पहली बार मैंने ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी डॉक्टर के पास आया हूँ जिसने मेरे को ठीक किया है। ठीक करना एक अलग चीज हो, तंदुरुस्त कर देना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मेरा नाम हिंगेरी सिंह है और मैं इंदौर रहता हूँ। बिजनेस करता हूँ, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। आज से 10 साल पहले अचानक से मुझे काफ़ी बैक पेन हुआ और बहुत मेरा वेट बढ़ गया था। 10 साल तक खूब कोशिश की कैसे भी वजन कम हो जाए। कई डाइट प्लान्स लिए, जिन डॉक्टर्स के पास गया उन्होंने कुछ कुछ मेडिसिन दी, बताया ऐसे करो। 1 किलो 2 किलो कभी कम होता था, फिर कंडीशन वैसी की वैसी रही। और पिछले साल अचानक से डायबिटीज़ हो गई। पता लगा डायबिटीज़ के लिए 5-6 मेडिसिन रोज़ चलने लगी मेरी। तो इसी बीच में जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपको कोई ना कोई माध्यम मिलता है जिसके थ्रू आपको कोई ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलेंगी। तो मेरे को डॉक्टर रेस्पेक्टेड डॉक्टर संग्राम सिंह जी जो मेरे रिलेशन में हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे डॉक्टर अनिल सिंघवी जी के बारे में बताया। उसके बाद से प्रोग्राम ज्वाइन किया, करने के बाद धीरे धीरे मेरे मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो गए। 1 महीने बाद ऑलमोस्ट मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई थी और आज मैं बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ। 14 kg मेरा वेट लॉस हुआ है। और सबसे अच्छा पार्ट इस पूरे जर्नी में ये था कि उसमें एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं और ऐसा कुछ नहीं था जो पहले नहीं किया हुआ था। पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया हुआ था। किसी डॉक्टर ने कुछ कहा, किसी डाइटिशियंस ने कुछ प्लान्स बना के दिए, उनके अकॉर्डिंग बहुत कुछ खाया पिया। लेकिन इसमें जो एजुकेशन मिली है उससे भी पता लगता है कि आपको कब क्या खाना था और आपने क्या गलती की। उन्होंने तो मेरे को लगता है सब कुछ उल्टा ही करवाया था आज तक। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ ले गए, पता ही नहीं चला कि वो आपने पर्वत कब चढ़ गए हैं। ये तो बहुत मुश्किल लगता है नीचे से देखने में कैसे चढ़ेंगे इसको। अभी मेरी ब्लड शुगर थी सर 87 फास्टिंग रही और आज मॉर्निंग में मैंने टेस्ट किया था वो भी 88 रही थी। और कल मैंने पोस्टप्रेंडियम चेक किया मेरा, वो 123 थी, वो भी चावल खा के चेक किया था मैंने उसमें कोई मेडिसिन मेरी अभी कोई कंटिन्यू नहीं की हुई है, बिल्कुल 0 मेडिकेशंस पे हूँ मैं। इतनी खुशी है इस चीज़ की कि बिना किसी मेडिसिन के अब सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं तो बड़ी टेंशन थी एक जीवन में कि बार बार ब्लड शुगर चेक करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है सर, इसमें देखा जाए कि आपके जीवन में अगर दवाइयाँ खत्म हो जाती है, जहाँ 5 और 6 दवाइयाँ आपकी चल रही थी वो जब खत्म हो जाती है तो सर पे से एक बहुत बड़ा वजन हट जाता है। कुछ तो ग्लो शायद चेहरे पे उसी बात का आ जाता होगा। इससे निजात मिलना मतलब ये तो बहुत बड़ा वरदान है। जैसे ही पता लगता है कि आपको डायबिटीज हुई या कोई हेल्थ इश्यूज है, एक पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। एक बहुत बड़ी कंपनी का मैंने हेल्थ पैकेज लिया हुआ था, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के मुझे दी थी कि सुबह से आपको शाम तक क्या खाना पीना है। जो कि आपके यहाँ से मुझे जो नॉलेज मिली उससे पता लगता है कि वो टोटली उल्टा करवा रहे थे मेरे से। जो आपने इंसुलिन के बारे में डिटेल्स दी हैं लेकिन वो उससे उल्टा हो रहा था मेरे शरीर के साथ में। बहुत बड़ा पैसा भी डिमांड करते हैं। फिर अपनी नेटिव प्लेस में जहाँ से मैं नरसिंहगढ़ से हूँ वहाँ गया तो उन लोगों ने जैसे मुझे देखा, अरे यार क्या कर लिया यार एकदम 10 साल तेरी उम्र कम लगने लगी अभी तो। और एक और डॉक्टर है वो बोल रहे मुझे भी करना है यार कुछ भी करके। वो सारी नॉलेज है सारी, वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, उसमें पढ़ा है, नर्सरी से साथ में पढ़े, सब जो हमने प्रोग्राम में किया ना उसको सब पता है। बट वो स्टेप्स कैसे करेगा, कर भी चुका है, पर जो स्टेप्स आप देते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें। एक्चुअल डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए या क्या होता है आपसे मिलके ही वही समझ सकता है। डॉक्टर्स का काम है कि पेशेंट को ट्रीट करना, कि ना कि मेडिसिन पकड़ा दो। बहुत सारे डरा धन टेस्ट करवा देते हैं। पर पहली बार मैंने ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी डॉक्टर के पास आया हूँ जिसने मेरे को ठीक किया है या मेरी मतलब तंदुरुस्ती बढ़ाई है। सीधे से ठीक करना एक अलग चीज़ हो, तंदुरुस्त कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मुझे तो दिल से ये लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो उसको ये कोर्स जरूर करना चाहिए, जिससे उसको ये पता चले कि जीवन जीते कैसे हैं, खाते क्या हैं। और फिर बीमारियां तो मैं समझता हूँ अगर ये हम सब कर रहे हैं तो वो बीमारियां तो अपने आप ही गायब हो जाती हैं।